वेलकम बैक गाइस द अनदर एपिसोड ऑफ मणिपाल पॉडकास्ट। एंड लास्ट एपिसोड में मेरा कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था, इस एपिसोड में ध्रुव खन्ना का कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया है, तो इस बार भी ध्रुव खन्ना साथ नहीं रह पाएंगे, बट वी हैव अ न्यू गेस्ट एंड ही इज अतुल राजपांडे। हेलो अभिराज, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम कैसे हो? कैसा चल रहा है क्वारंटाइन? कैसा चल रहा है? क्या चलेगा, कुछ नहीं चल रहा। मैं बहुत बढ़िया कुक हो गया। कुक हो गए हो? हाँ बढ़िया यार। कहाँ पे हो वैसे अभी, मुंबई में हो कि पटना में हो? मुंबई में हूँ, मुंबई में हूँ। घर वाले परेशान हैं। मुंबई में तो सीन बहुत खराब भी है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा। और ध्रुव क्यों नहीं वही आया? है ध्रुव का। अरे वो यहाँ तूफान उफान का चक्कर है ना ईस्ट पूरा में, तो उसका वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, चलो इसीलिए उसका शायद वाईफाई नहीं हो पा रहा है। इस बार हमें ध्रुव खन्ना को मिस करना पड़ेगा, हमारा घोस्ट होस्ट। तो अतुल, मेरे को जानना है कि तुम मणिपाल 2014 में आए थे ना, बिल्कुल। तो हाउ वाज योर इनिशियल डेज इन मणिपाल? क्या चल रहा था दिमाग में, कैसा था? बिकॉज यू आर फ्रॉम पटना, पटना से मणिपाल भी काफी डिस्टेंस है, तो कैसा सब कुछ? एक्चुअली अविराज, पटना तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, लाइक 2012 में अच्छा, छोड़ दिया था। ओके ओके मैं पुणे में था और ओके पुणे से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं मुंबई या फिर पुणे में एडमिशन लूँ, क्योंकि मुझे थिएटर करना था और मुझे थोड़ा सा बॉलीवुड वाला एक्सपोजर चाहिए था। बट फिर सिम्बायोसिस के रिजल्ट में लेट हुआ, जेवीएस का रिजल्ट हुआ नहीं, देन मणिपाल क्लियर हो गया। तो आई थॉट लेट्स ट्राई इट, मणिपाल जाते हैं। तो मैं तो अपने दोस्तों के साथ रेकी करने आया था पहले मणिपाल कि कैसा जगह है यार, मैंने सुना नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा। तो फिर मेरे दोस्त बैंगलोर में थे तो उनको वहां से लिया और फिर मणिपाल आया। और मैं होटल लिया हूँ बैंगलोर में, कि मुझे आइडिया नहीं था कि मणिपाल में रहने की भी जगह होगी स्टूडेंट के अलावा, लाइक हॉस्टल्स। अच्छा। मुझे ऐसा लगा था कि हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटी के अलावा और कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। तो मैं मैंगलोर में रहा और वहां से बस लेकर आया, देखा कैसा है। उसके बाद मेरे दोस्तों के साथ ही मैंने एडमिशन का प्रोसेस वगैरह किया। बट मैं काफी डिसअपॉइंटेड था यार कि ये तो पूरी जंगल वाला एरिया है यार, मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरा रूममेट था शरद, जो कि हैदराबाद का था। तो भाई मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, कुछ इस टाइप का था। पर मेरा रूममेट्स काफी कोऑपरेटिव था। वो एक्चुअली मणिपाल में पहले से था, तो उसने बहुत कुछ आइडिया दिया। अच्छा, तो किस ब्लॉक में थे तुम मणिपाल फर्स्ट ईयर में? 16 में थे? हाँ जी 16 ब्लॉक भी काफी बढ़िया था। मैंने सुन रहा था कि वहां पे सारे थे, मुझे लगता है उसमें सब। तुम्हारे बैच से। हाँ पर ध्रुव, अनोग, अनिर्बन ये सब थे 17 में। ओके ओके अंश सही है, भी सही है। शायद 17 में था। मैं, नदीम, अंकित वगैरह, विनायक मेरे मेरे ब्लॉक में थे। विनायक विनायक है तो फिर बस्ती का तो फिर पूरा कोटा विनायक का ये ले लेता था, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब विनायक की जिम्मेदारी थी मस्ती के कोटा, वो तो पक्का है, मेरे को पक्का पता है। वो रात में एक बार तो कमरे में आएगा ही आएगा, और भाई क्या चल रहा, बस इतना पूछ के ओ विनायक है, मतलब बहुत ही सही चिल बंदा लगता है विनायक भी। बहुत ज्यादा। सही है। तो यार तुमने कहा कि मणिपाल आके तुम पहले खुश नहीं थे, ठीक है, नहीं तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ये कैसा था मणिपाल में तुम्हारा? सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो फिर यार बहुत ज्यादा अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत अच्छा था। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं थिएटर वगैरह करना शुरू किया और लोगों से मिंगल करना शुरू किया। फिर सेकेंड ईयर में तो मैं आईना ड्रामेटिक्स में था,
उसका और एक्सपोजर मिला और फिर काफी अच्छा था। तुम्हें पता ही है कॉलेज में कला मंच, फिर डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट पार्टिसिपेशन, हर चीज में इन्वॉल्व था मैं, इसलिए बहुत मजा आ रहा था। सही है सही है। मतलब मेरा भी जब फर्स्ट इंटरेक्शन वो अगर तुमको यो स्ट्रीट पे यार मुझे तुम डर तो वो स्ट्रीट पे अलग ही था फर्स्ट। और उस स्ट्रीट पे मेरा एक लाइन था, बस एक ही लाइन था और वो स्टार्ट मैं कर रहा था, उसके बाद मुझे एक भी लाइन नहीं मिला था। लेकिन वो एक लाइन मतलब लोगों ने सोचा कि भाई मैं कितना क्रीपी बन रहा हूँ, मतलब ऐसा क्रीपी डायलॉग तुमने मेरे से बुलवाया था, मेरे को अच्छा भी याद है, बाप रे बाप, लोगों ने मेरे को पक्का क्रीपी समझा होगा कि यार इस बंदे से तो दूर रहना है। पर मजा आया था यार, तुम्हें के साथ मजा आया था। हाँ मतलब अच्छा होता था, काफी काफी अच्छा एनर्जी था तुम लोग में। और याद है मुझे, मैं वीर माधव मयंक वगैरह हम लोग काम करते थे। हाँ मयंक का डंडा बहुत ही अच्छा लगता था वो सब करने में। तो भाई मेरे को याद है मैंने जब सोचा तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करने का ना, तो मैंने सोचा था कि मैं ये चीज बोलूंगा ठीक है, क्योंकि जब मेरा वो दूसरा सीट पे था जो तुम डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा मतलब मेरे को पहले कर चुके नहीं नहीं मणिपाल के पहले, मणिपाल में किया था ना मैंने एक, हम लोगों ने किया था गांधी स्मृति में किया था, गांधी स्मृति में किया था। तो वही है, वो मेरा फर्स्ट था, सेकंड मेरा तुम्हारे साथ था जो तुम डायरेक्ट कर रहे थे तुम और मयंक। तो उसमें मेरे को सिर्फ एक लाइन मिला था ठीक है। और जब मैं सेकंड ईयर में गया, मेरे जूनियर्स आए, नाम नहीं लूंगा, तो उन लोग को भी मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि उन लोग का जो पर्सनैलिटी है उसमें रोल नहीं बैठ रहा था, तो उस पर सिर्फ मैंने एक ही लाइन दिया ठीक है। अब उसमें वो लोग बुरा मान गए ठीक है, एकदम बुरा मान गया और दिल पे लगा लिए बात को कि मेरे को सिर्फ एक डायलॉग मिला है, मैं स्ट्रीट प्ले नहीं करूंगा, मैं क्रिकेट भी कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीट प्ले भी कर रहा हूँ, मैं उत्सव में भी कुछ कुछ कर रहा हूँ, मैं सब चीज हूँ, मेरा ये मैं कल्चरल रैप हूँ अपने क्लास का, तो मैं नहीं करूँगा स्ट्रीट प्ले। तो मैंने उसको तुम्हारा उदाहरण दिया कि भाई देख, जब मैं सेकेंड स्ट्रीट प्ले कर रहा था तो मेरे पे याद है मेरे सीनियर जो थे अतुल, उसने मेरे को एक ही लाइन दिया था ठीक है, और मैं ही नहीं बहुत लोग थे जिसको एक लाइन मिला हुआ था। तो हम लोग ने तो कभी ऐसा रिवोल्ट किया ही नहीं था जो उन लोगों ने किया। और मतलब तुम लोगों ने जैसे मेरे को समझाया कि देखो विराज ये स्ट्रीट प्ले करना है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइंस मैटर नहीं करता, इट्स योर प्रेजेंस इन द क्राउड जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो वो ये लोग बात ही नहीं समझ पाए थे मेरे जो जूनियर्स। एक्चुअली स्ट्रीट प्ले में विराज, स्ट्रीट प्ले में विराज लाइंस कम होते हैं, तुम्हें भी पता है। मतलब हम लोग कौन कहा ही कुछ, बिल्कुल बहुत ही अच्छे एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, हम लोग भी तो सीख ही रहे थे। तो वही बढ़िया था, मतलब कलामंच ने और आईना तुम्हारे लिए मतलब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था हम लोग के लिए वो चीज। स्टार्ट तो कलामंच के थे, कलामंच आपको कलामंच में ये बढ़िया चीज है, आपको कोई जज नहीं करता, आप कुछ भी स्टार्ट हमारे कॉलेज में कोई भी एक्टिविटीज ले लो, यू कैन जस्ट गो एंड स्टार्ट, कोई ऑडिशन नहीं कुछ नहीं, सीधा स्टार्ट करो, तुम्हें फील होता है यू हैव दैट स्पार्क, यू कैन कंटिन्यू, नहीं तो रावण लीला, तो उसका कुछ फीलिंग मिला, बिकॉज दैट वाज इनक्रेडिबल। अरे वो ऐसी फीलिंग थी कि मैं पहला रावण लीला मैंने किया आईआईएम बैंगलोर। और लोग जब खड़े होके तालियां बजाते हैं ना तुम्हारे लिए और तुम्हारे ट्रू, मतलब मैं कांप रहा था और मैं ऑलमोस्ट रो भी दिया था।
ये तो एक अच्छी बात है, बट काफी तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा से सोच रहा था कि मुझे थिएटर करना है, मुझे इस पार्ट को एक्सप्लोर करना है, मुझे इसमें करियर बनाना है, मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट था वो। और आईना ड्रामेटिक्स में अभिनव भैया का होना, जो कि हमारे सीनियर थे और काफी ट्रेंड थे वो, उनके कारण हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, और जहाँ भी थोड़ा बहुत कर पाते तो उनके कारण पहुंचे। फीलिंग बहुत 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 जबरदस्त था। इवन हम मूड इंडिगो बॉम्बे आए थे, वहाँ भी हमने एक जैसे सीजन करके प्ले लिया था, जूनियर सीजन। अच्छा, हाँ, उसमें काफी बहुत मजा आया। इवन स्पीड प्ले, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण, हाँ वो तो बहुत ही शानदार स्ट्रीट पे लगा था मेरे को। मेरा फर्स्ट स्ट्रीट पे मैंने देखा था, वो मेरा फर्स्ट स्ट्रीट पे था, और क्या प्ले था। मुझे मुझे वो स्ट्रीट प्ले का वीडियो नहीं मिला, तुमने देखा है? मैंने देखा है लेकिन वीडियो नहीं होगा मेरे पास भी। पर तुमने देखा था बास्केटबॉल कोर्ट के पास जो, वो मैंने पूरा देखा, उसमें बारिश हो रही थी और मतलब ऐसा एक्शन, ऐसा स्ट्रीट पे आज तक मैंने नहीं देखा भाई। हमारे सीनियर आईना वाले इतना मेहनत करवाया ना, अरे सच में कि मतलब पल्लव थे ना, आज बहुत लोग मिलके डायरेक्ट कर रहे थे, पल्लव भैया थे, गोपाल भैया थे, बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन था, जिसके कारण हमारे अंदर वो आग आया कि हाँ कोई भी आर्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए उसके बेसिक जाने, क्यों कर रहे हैं, क्यों वो इमोशन प्ले कर रहे हैं, सब कुछ। तो उसी टाइम से हमें आदत मिला कि एक कैरेक्टर का जो होमवर्क होता है कि कैसे आप प्रिपेयर करते हो उसका बैकग्राउंड स्टोरी। जैसे मैं दुर्योधन था, हाँ हाँ हाँ, मुझे क्या करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ वहाँ पे, फिर अब स्ट्रीट प्ले में मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं आपके, एक जगह मुझे द्रौपदी का साड़ी खींचना, तो वहां पे मैं क्या सोचता हूँ और किस इंटेंसिटी पे अपने ब्रेथ को ले जाऊंगा कि मैं फिर सच गिरूं और लोगों को लगे कि मैं जमीन पे गिर रहा हूँ तो रियल है। बेसिक्स काफी अच्छा सीखा मैंने वहां पे। मेरे को ये जानना था कि मणिपाल से निकलने के बाद हाउ टफ इट इज to go in that situation, to face the real world of B town, तो वो कैसा था? Actually, मणिपाल में जैसे मेरा थिएटर का एक्सपोजर तो था, बट जब मुझे वहां पे मुझे सोनी के लिए मन में विश्वास है, और फिर क्राइम पेट्रोल भी किया मैंने, जब मणिपाल से मैं सिर्फ करके वो एपिसोड शूट करके जब मणिपाल में ही था, तब तक मेरे लिए लाइफ बहुत इजी था और मैं प्रेडिक्ट कर सकता था कि हाँ ऐसे ही मेरा करियर शुरू हो जाएगा। जब मैं मणिपाल से बाहर निकला और उसके बाद जब रियल वर्ल्ड फेस किया, जब बॉम्बे आया, आप कितने भी एस्पायरिंग एक्टर है या कोई भी आर्टिस्ट है, वो कल के डेट में अगर आएंगे तो उनको ये समझना पड़ेगा बेसिक, तो पहले आपको रहना खाना, आपको मतलब एक आप अपनी माँ की तरह अपने आप पे इमेजिन कर लो कि कैसे आप घर भी हैंडल करोगे और बाहर भी कैसा है, बाहर भी हैंडल करोगे, तो दोनों चीज के साथ आपको स्ट्रगल भी करना है। यहाँ चीजें मणिपाल इतना आसान नहीं थी। सही बात है। एक मूवी में एक छोटा रोल भी लेना या फिर कहीं ऑडिशन देना बहुत टफ है, यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है, लक है, आप बहुत ज्यादा सोचोगे या बहुत ज्यादा नीचे जाओगे, बहुत हताश हो एक टाइम पे, मतलब मेरा दिन ऐसा गुजरता था विराज कि मैं दिन के आधे टाइम ऐसे सातवें आसमान पे रहता था कि आई कैन डू इट, मैं नहीं करूंगा तो और कौन ओवर कॉन्फिडेंस करेगा अपने आप को बूस्ट करने के लिए, इतना पावर रहता था दिन के आधे टाइम रिजेक्शन के बाद कि यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट फिट, सुन सुन के आ जाओ रामनगर से और थ्री जी से और चार बंगला महाडा, ये सब स्पॉट है ऑडिशन के बाद। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद सबसे ज्यादा हताश कि यार कुछ नहीं होने वाला, काफी डिसअपॉइंटमेंट मिलता है यार। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा ना क्योंकि देखो मैं फील करता हूँ ना कि मणिपाल हमें ना, मणिपाल जो शहर है वो हमें एक
छोटे से शेल में बांध दिया था। बिल्कुल ठीक है, हम कंफर्टेबल हो गए थे कि यार घर हॉस्टल से कॉलेज जाना है, कॉलेज से हॉस्टल आना है, पढ़ना लिखना नहीं है, बिकॉज हमारी जो कोर्स थी वो काफी, मैं नहीं बोलूंगा कि इजी थी, बट उतनी भी टफ नहीं थी जितनी इंजीनियरिंग की होती थी या मेडिकल की होती थी। तो हमारी जो लाइफ हो गई थी वो चिल टाइप की हो गई थी, चिल हो गई थी कि यार यही लाइफ है, यही लाइफ है यार, इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है, यही लाइफ है, कैसे चलेगी। बट कॉलेज के बाद जब रियल वर्ल्ड में आया गया, तब समझ में आया कि नहीं, मणिपाल एक हमें ऐसा आलसी इंसान बना के चला गया था कि उसे कोप अप करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ अविराज, आलसी नहीं बोलूंगा बट हाँ एक कंफर्ट जोन पे डाल देता है कि आपके पास रहने का अच्छा जगह होता है, आपके पास आपका एक छोटा सा जगह है, ज्यादा डिमांडिंग वो शहर नहीं है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप यहाँ 5 मिनट में पहुंच सकते हो, 10 मिनट में पहुंच सकते हो, हर चीज का डायनेमिक्स बाहर आने पर बदल जाता है। जगह जैसे ही बड़ा होता है, क्राउड जैसे ही डाइवर्स होता है, डाइवर्स क्राउड था, स्टूडेंट वाइज डाइवर्स क्राउड था, बट हां डेमोग्राफीज वाले सिटीज में और एक बड़े शहर में हर चीज बदल जाती है। बट मैं मानता हूं कि मणिपाल हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। हां नहीं, मैंने मणिपाल आलसी इसलिए बोला ना कि हम एक ही रूटीन में चल रहे थे। ठीक है, 8 बजे उठते थे, 8:30-9 बजे कॉलेज चले गए। ठीक है, फिर कॉलेज से घर आए, सो गए, गए डीटी गए, वापस आ गए, खत्म हो गया कहानी। तो ये हो गया था। अब वापस जब घर आए ना, जैसे मेरा, मैंने अपने पापा के साथ बिजनेस शुरू किया, बिजनेस कर मैं आया हूँ। तो जब घर आए तो पापा बोले चलो काम पे लग जाओ, क्योंकि अब तुम आ गए हो, तुमको यही करना है तो करो। तो पहली बात तो यार घर पर रूटीन एकदम डिफरेंट है, 6 बजे उठना है, ठीक है 5:45 तक उठना है और 9:30 तक ऑफिस जाना है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट हो गया था मेरे लिए भी। वैसे तो इसीलिए वो इस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैं अभी बॉम्बे में, बॉम्बे की हालत पता है तुम्हें, कोरोना के कारण क्या है, तो मेरे घर से मेरी माँ बोल रही है आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, पर मैं चिल हूँ कि मुझे घर जाओगे तो इतने बजे उठो, इतने बजे सो, अरे अभी तक ये नहीं किया वो ना, इस मामले में चिल हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या बोल रहे हो, मतलब वही चीज है, मतलब एक रूटीन यहाँ पे फॉलो करना है तो करना है, वो आप उस पे आप ये नहीं कह सकते छोड़ना यार आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, आज नहीं नहाएंगे यार चल कल नहाएंगे छोड़ो बस। बट वो चीज हो गया रांची में कि यू हैव टू फॉलो अ सेट ऑफ रूटीन, जो मणिपाल में नहीं था। मणिपाल में फ्रीनेस था, आपको जो करना है आप करो, तो वो चीज था। तो यार चलो अब नेक्स्ट राउंड में चलते हैं, लास्ट राउंड है ये। ठीक है तो यार अतुल, मेरे को याद है तुम्हारे थर्ड ईयर में, शायद तुम्हारे थर्ड ईयर में तुम एक शॉर्ट फिल्म कर रहे थे श्रेयांश के साथ। वो शॉर्ट फिल्म अगर तुम्हें याद है, ठीक है, तो उस शॉर्ट फिल्म में एक सीन चल रहा था जिसमें मैं गया था। ठीक है, मैं श्रेयांश ने मेरे को बोला कि भाई तू आ जा एक बार, तो मैं गया और श्रेयांश ने मेरे को बोला कि अविराज एक बार अतुल को ये सीन बता करके बता दो। मैंने बोला यार अतुल को ये सीन बताओ ये कैसे, क्योंकि अतुल भाई अतुल है, वो बहुत अच्छा एक्टर है, मैंने श्रेयांश को बोला था और अतुल को मैं कैसे, बट स्टिल मैंने बताया तुमने वो किया। ठीक है, तो यार मेरे को ये पूछना था तुमसे, ठीक है, कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो जूनियर से डायरेक्शन कराना है मान लो, ठीक है, तो उसमें उन लोगों की ईगो फॉर्म आ जाती थी और हम लोग, और मेरा और आपका, मतलब मेरा और अतुल हम दोनों का रिलेशन काफी अच्छा रहा है स्टार्टिंग से, तो तुमने भी वो चीज मेरी मानी, मैंने भी तुम्हारी वो चीज मानी, तो वो चीज है। लेकिन जो ईगो प्रॉब्लम आती है बीच में, सीनियर जूनियर वाला प्रॉब्लम जो होता है, उसे कैसे हैंडल करते हो? मतलब तुमको अगर किसी सीनियर को डायरेक्ट करना है आगे जाके, तो हाउ विल यू डू दैट? देखो अविराज, मेरा बहुत सिंपल है इस मामले में, ये सब चीजें तो मैं देख रहा हूँ बड़े लेवल तक भी। अभी भी तुम अगर कोई फिल्म देखते हो
नेटफ्लिक्स पे, कोई भी मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड बोल रहा हूँ, जैसे नेटफ्लिक्स में मैं तुम देखोगे अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं आता तो वो वहाँ पे अगर बेसिक कॉज यही रहता है कि लोग एक दूसरे को सुनते नहीं है, वो यही सब डिफरेंशिएट करते हैं कि यार ये बड़ा है ये छोटा है, मैं स्टार हूँ मैं ये हूँ. लेकिन आज के डेट में जो भी एक्टर है, मनोज वाजपेयी हो गया, विकी कौशल, जो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं. अगर तू मुझे समझा रहा था उसका तो मैं बस इतना देखूंगा कि तू क्लियर है कि नहीं जो तू मुझे बता रहा है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम छोटे हो बड़े हो, एक एक्टर का ये फर्ज बनता है कि आप सरेंडर करो, तभी आप अच्छा कर पाओगे. मैं गलत करो गलत बोलो तो मेरा बहुत बेसिक है कि मैं हमेशा लर्निंग की तरफ इंक्लाइन रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो. आज के डेट में अगर अविराज टू एक्टिंग ज्यादा करने लगे, टू एक्टिंग फील्ड में चले जाए, तो वो चीज डिस्कवर कर पाएगा जो मैंने नहीं कर पाया, तो तू मुझे बता सकता है क्या प्रॉब्लम है. सही में वो चीज बेटर होता है, जैसे मैं ही देखता हूँ. लेकिन यार अभी मुझे तो ये बताओ कि बॉलीवुड में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस थिंग, ठीक है, हाउ डू यू सी बॉलीवुड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स? क्योंकि देखो अभी मेरे को पता चला कि गुलाबो सिताबो इतने सालों से अमिताभ बच्चन काम कर रहे थे उसमें, और वो अभी प्राइम में रिलीज हो रही है, ठीक है. एक मूवी है कृति सेनन की, मेरे को कहीं मैं पढ़ रहा था उसके बारे, तो उसके लिए कृति सेनन ने 12 kg वेट पुट ऑन किया, एंड देन सिर्फ एक सॉन्ग के लिए उनको फिर से वेट कम करना था, लेकिन वो पुट ऑन हो गया, शूट हो गया, सब चीज हो गया, फिल्म की शूट हो गई, लेकिन उस सॉन्ग में वो सॉन्ग नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस. और अब लोग बोल रहे हैं कि वो भी अब OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज कर देंगे, मतलब उस सॉन्ग का कोई आगे प्लान नहीं उनका डालने का. नहीं नहीं उस सॉन्ग का आगे का प्लान ही नहीं है डालना, वो सॉन्ग कैंसिल हो चुकी है, ठीक है. तो मेरे को ये बताओ कि तुम बॉलीवुड अब कहाँ देख रहे हो इन दिस फ्यू इयर्स? यार बॉलीवुड मैं कहाँ देख रहा हूँ, पर्सनली मैं काफी चेंज देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा आर्ट ड्रिवन, कंटेंट ड्रिवन, और काफी रियलिस्टिक अप्रोच दिख रहा है. मतलब अब वो बॉलीवुड नहीं है जो कि कुछ भी दिखा दिया और लोग एक्सेप्ट करने को तैयार है. एक सही बात है, हाँ, आज हाँ, लोगों के पास एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड सीरीज सिनेमा और सब चीज की, तो मुझे लगता है कि अब बॉलीवुड भी इस तर्ज पे जाएगा कि वो अपने कंटेंट को चेंज करेंगे. अब वो स्टारडम वाली चीजें कुछ हद तक सीमित रह गई हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पास अभी है. काफी चेंज आएगा यार बॉलीवुड का, और जो कि एक जो जो आउटसाइडर्स हैं हमारे ऐसे लोग और भी लोग लाखों जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए काफी स्पेस मिलेगा और उनके लिए काफी अच्छा है. सही बात है, सही बात है. So then, we'll end this. Okay. भाई बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, मतलब एक दो साल बाद हम लोग दोनों ऐसे फोन पे बात कर रहे हैं, ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हैं. मैं इस पॉडकास्ट के बाद तुम्हें कॉल करूंगा और अच्छे से बात करूंगा. एकदम भाई, एकदम यादें ताजा कर दी. एकदम एकदम, मतलब मैं तो अतुल को हमेशा बोलता हूँ कि भाई बड़े मेरे बच्चों को बस ऑटोग्राफ दे देना. सबसे ज्यादा माँ बाप से ज्यादा उम्मीदें दोस्तों के साथ है, और ऊपर से ऐसे डायलॉग के साथ. ये उम्मीदें इसलिए जगती है क्योंकि बंदे में टैलेंट है, इसीलिए. ठीक है ब्रो, ओके, रियल टाइम में बेस्ट, रियल टाइम में बेस्ट. हाँ भाई एकदम, सारी उम्मीदें पूरी होंगी. एकदम भाई होंगी. और बात रही मणिपाल की, मणिपाल तो हमारा अधूरा मोहब्बत है, रहेगा और था. ओहो बिल्कुल. चलो ओके भाई, नाइस टॉकिंग टू यू, मजा आया. बस ध्रुव रहता तो और मजा आता. सच में ध्रुव, ध्रुव को भी वीडियो ये करते हैं हम लोग, अभी कॉन्फ्रेंस में लेते हैं अभी. हाँ, जो अभी लेते हैं इसके बाद, अभी लेते हैं इसके बाद. ओके भाई चलो अविराज, थैंक यू सो मच. बाय बाय बाय.